हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लेट्स नैप एग्ज़ाम्स पर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनके दास्ता संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे अरस्तु के बारे में। यूनानी राजदर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम प्रसिद्ध है। इन तीनों ने न केवल यूनान की गरिमा बढ़ाई बल्कि मानव ज्ञान के विकास में भी महान योगदान दिया। अरस्तु के सबसे लोकप्रिय शिष्य प्लेटो के सबसे लोकप्रिय शिष्य थे अरस्तु और राजनीतिक दर्शन में अपने गुरु से प्रेरित थे, किंतु दोनों के राजनीतिक विचारों में विशेषकर अध्ययन पद्धति में मौलिक अंतर मिलता है। जहाँ प्लेटो एक आदर्शवादी और क्रांतिकारी विचारक थे, अरस्तु यथार्थवाद और यथास्थिति के समर्थक हैं। राजनीति के अध्ययन में प्लेटो ने चिंतन की निगमन प्रणाली को अपनाया है, वहीं अरस्तु ने आगमन पद्धति को अपनाया है। प्लेटो की तरह अरस्तु का दर्शन भी बहुमुखी है। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और प्रकृति विज्ञान जैसे विषयों को भी उन्होंने महान ज्ञाता माना जाता है। अब हम उनके जीवन परिचय देखते हैं। अरस्तु का जन्म एथेंस में हुआ था, स्टागिरा में 384 में। अरस्तु के पिता का नाम निकोमाकस तथा उनकी माता का नाम फेस्टिक्स था और उनका बचपन मैसिडोनिया की राजधानी पेल्ला में बीता। उनके बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में रुचि थी और उन्होंने इस अनुभव का जो प्रयोग है वह अपनी रचनाओं में फ़ायदा उठाया। अरस्तु के जीवन काल को तीन भागों में बांटा जाता है। हम अरस्तु की सबसे इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करते हैं तो वो है द पॉलिटिक्स। अब हम जानेंगे अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत और अरस्तु किन को बताता है कि ये दास हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अरस्तु के अनुसार दास प्रथा नगर राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। यूनानी जगत में यह प्रथा होमर के समय से ही प्रचलित थी। ग्रीक सभ्यता के विकास में दासों का महत्वपूर्ण योगदान है। दास को तत्कालीन यूनानी समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दास की तत्कालीन यूनानी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जो कुलीन वर्ग के लिए जी तोड़ परिश्रम करता है। अब हम देखते हैं अरस्तु किन लोगों को बताते हैं कि ये दास हैं, दास कौन हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दासता संबंधी विचार प्रकट करते हुए दास को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य गृहस्थियों के संयुक्त से बनता है, अतः दास प्रथा को समझने के लिए गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। दास कौन है, इस संबंध में अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं अपितु दूसरे का है लेकिन फिर भी आदमी है, वह प्रकृति से दास है। जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं है वह प्रकृति से ही दूसरा है और वह प्रकृति का दास है। अरस्तु का मानना है कि दास अपनी प्रकृति से एक संपत्ति है और एक संपत्ति के रूप में होने के कारण दास का स्वयं अपना कोई अधिकार भी नहीं होता है। अरस्तु ने दास को एक सजीव संपत्ति मानते हुए उसे पशुओं से श्रेष्ठ बताया है। दास स्वामी के विवेक व दर्शन की थोड़ी सी झलक पा लेने की समझदारी रखता है, इसीलिए दास के साथ सौम्यता का प्रहार किया जाना चाहिए। अरस्तु लिखता है कि जो दूसरों का गुण है, जिसके पास विवेक नहीं परंतु विवेक को समझने में हिस्सा लेता है, वह प्रकृतिवश दास है। अब हम देखते हैं दासता के पक्ष में अरस्तु के विचार। तो अरस्तु कहते हैं कि दासता स्वाभाविक है। अरस्तु ने सोफिस्टों का खंडन करते हुए दासता को स्वाभाविक माना है। सोफिस्टों का मानना था कि सभी मनुष्य समान व स्वतंत्र हैं। अरस्तु ने कहा कि दास प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही दास होते हैं। अरस्तु का कहना है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ शासित होने के लिए। प्रकृति जिन व्यक्तियों को विवेक देती है वे शासक होते हैं और जिनको केवल शारीरिक शक्ति देती है और जिनमें दूसरों को विवेक को समझने का गुण होता है वे शासित अर्थात दास होते हैं। अगले विचार देखते हैं। दासता स्वामी के लिए लाभदायक है। अरस्तु का मानना है कि स्वामी का कार्यक्षेत्र नगर राज्य की राजनीति है।
नगर के राज्य कार्यों में भाग लेकर स्वामी अपना नैतिक उत्थान करता है। इस कार्य के लिए स्वामी को अवकाश चाहिए। यह अवकाश तभी संभव है जब दास उसके घर के कार्यों को करे। आगे देखते हैं, दासता दास के लिए लाभदायक है। अरस्तु मानते हैं कि दास प्रथा स्वामियों की तरह दासों के स्वयं के लिए भी लाभकारी है। दासों में तृष्णा अधिक होने के कारण नैतिक गुणों का अभाव रहता है। इसके विपरीत स्वामी बौद्धिक स्तर पर श्रेष्ठ होते हैं। दास बुद्धि व कौशल से हीन होने के कारण स्वभावनुसार सद्गुण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। अगला विचार देखते हैं, दासता समाज के लिए उपयोगी है। अरस्तु मानता है कि दासता के कारण स्वामी को समाज कल्याण के कार्यों के लिए कुछ अवकाश प्राप्त हो जाता है। नाटकों, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, सार्वजनिक सेवा कार्य करना और नागरिकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना आदि कार्यों के लिए दास की आवश्यकता होती है। अरस्तु मानते हैं कि दास अपने स्वामी का अंग है। अरस्तु के विचारों में दास का शरीर अपने स्वामी से अलग अवश्य है, लेकिन फिर भी वह उसका अंग है। इसलिए दास की परवाह व रक्षा भी स्वामी को उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार अपने शरीर के अंगों की रक्षा वह करता है। अब हम देखते हैं, अरस्तु ने दासता के कितने प्रकार बताए हैं। अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं। एक होती है प्राकृतिक दासता और दूसरी है वैधानिक दासता। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल, अयोग्य होते हैं, वे प्राकृतिक या स्वाभाविक दास होते हैं। इसके अतिरिक्त युद्धबंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। यह दासता वैधानिक दासता कहलाती है। जो युद्धबंदी में वैधानिक दास होते हैं, जो युद्ध के समय युद्धबंदी बना लिए जाते हैं और दास बना लिए जाते हैं, और जो प्राकृतिक होते हैं, वो अरस्तु ने बताया है कि जो जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं, ये प्राकृतिक और स्वाभाविक दास होते हैं। दासता के अरस्तु ने दो प्रकार बताए हैं जो हमने देख लिए हैं। आगे हम देखते हैं, दास प्रथा में सुधार के लिए सूत्र क्या बताए हैं। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन जरूर किया है, परंतु वह दासों के प्रति किसी भी अमानवीय व्यवहार की निंदा करता है। वारकर के अनुसार अरस्तु ने अपनी वसीयत में लिखा था कि किसी भी दास को बेचा न जाए, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने दासों के मानवीय व्यवहार के लिए निम्नलिखित सूत्र बताए हैं। वो हैं, स्वामी का कर्तव्य है कि वह दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखे। अपनी मृत्यु के समय स्वामी को अपने दासों को मुक्त कर देना चाहिए। दासों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने देना चाहिए। दासों के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वाले स्वामी को राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनना चाहिए। दासता वंशानुगत नहीं होती। यदि दास का पुत्र बुद्धिमान व योग्य है तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत है, इसकी आलोचना। आलोचना में अरस्तु के दासता संबंधी विचार अप्राकृतिक व अनुचित से लगते हैं। दास प्रथा को आवश्यक मानना वर्तमान मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है। आलोचकों ने अरस्तु के संपूर्ण दर्शन में उसके दासता विषयक विचारों को ही त्यागने योग्य बताया है। इसकी आलोचना किन आधारों पर की गई है तो हम देखते हैं, दास प्रथा अप्राकृतिक है। दास प्रथा किसी भी तरह प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य में विभिन्नता तथा कुशाग्र वृद्धि के आधार पर अंतर होते हुए भी प्राकृतिक समानताएँ होती हैं। इसीलिए इसके जो दासता संबंधी सिद्धांत है, उसकी आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना, विरोधाभास। अरस्तु के दासता संबंधी विचार विरोधाभासों से भरपूर हैं। एक ओर तो अरस्तु दासों को विवेक शून्य मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि दास सीमित रूप में स्वामी के विवेक को समझ सकते हैं, इसीलिए वह पशुओं से श्रेष्ठ हैं। एक तरफ तो वह दासता को प्राकृतिक मानता है तो दूसरी तरफ वह दासता से मुक्ति की बात भी कहता है। तीसरी आलोचना में देखते हैं हम, राज्य में संघर्ष और अशांति की संभावना। आलोचकों का मानना है कि समाज का बुद्धिमानों और बुद्धिहीनों के आधार पर स्वामी और दास, शासक व शासित में विभाजन खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इससे समाज में असंतोष, अशांति और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। अरस्तु का दासता का सिद्धांत उसके स्वदेश्यता के सिद्धांत का विरोधी है। अरस्तु का दासता का सिद्धांत उसके स्वदेश्यता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। अच्छाई को प्राप्त करने की क्षमता मानव स्वभाव में छिपी हुई है। आगे देखते हैं,
अवैज्ञानिक अरस्तु इस बात को मानता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मूर्ख व मूढ़ होते हैं, परंतु वैज्ञानिक तत्व को भूल जाता है कि अच्छे वातावरण, उचित दशाओं और उचित शिक्षा, अन्य संसाधनों को प्राप्त करने पर वे बुद्धिमानी हो जाते हैं। समुचित अवकाश सभी को मिलना चाहिए। अरस्तु ने दास प्रथा के समर्थन में यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने सार्वजनिक जीवन के लिए अवकाश की आवश्यकता है, परंतु अरस्तु ने दासों के लिए अवकाश की आवश्यकता नहीं की है। आगे हम देखते हैं शारीरिक श्रम की उपेक्षा। अरस्तु ने दासता के विवेचन में शरीर के काम करने वाले सभी श्रमिकों को दास की संज्ञा दी है, परंतु दृष्टिकोण असंतोषजनक है। शरीर से काम करने वाले यूनानी नागरिकों को दास बनाना शारीरिक श्रम की उपेक्षा करता है। यह सामाजिक एकता के लिए घातक है। जिस समाज में दास प्रथा होगी उसमें आंगिक एकता कभी नहीं होगी, जो कि एक आदर्श सामाजिक जीवन का आधार है। इसके बारे में राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का कथन है कि जिस प्रकार अपने ही विरुद्ध विभक्त एक घर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार भी राष्ट्र भी जीवित नहीं रह सकता जो आधा स्वतंत्र हो और आधा गुलाम। आगे देखते हैं, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अरस्तु का दासता का विचार ना तो तर्कसंगत है, ना व्यवहारिक और ना कल्याणकारी। आज के प्रजातंत्र के युग में दास प्रथा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि अरस्तु ने दासता के उदारवादी पक्ष का समर्थन किया है, लेकिन दासता के सिद्धांत को किसी भी दृष्टि से संगतपूर्ण व वैज्ञानिक नहीं माना है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में अरस्तु के दासता संबंधी विचार को देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।